हेलो गाइड्स वेलकम टू जॉइन जी एम इंग्लिश क्लासेस आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर कुछ वाक़ लिखा गया है जैसे करोना वायरस हम लोग की हालत कुत्ते जैसी बना दिया है मैं तुम्हारा हालत कुत्ते जैसी बना दूँगा आज मेरा हालत कुत्ते जैसी हो गई है कुत्ते जैसी आप अपना हालत क्यों बनाए हो तो आज हम लोग ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में सीखेंगे एस सिक एस ए डॉग का प्रयोग करके एस सिक एस ए डॉग यह एक फ्रेजर वर्ब है इसके मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बीमार होना यानी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होना इसी को हम लोग कहते हैं कुत्ते जैसी हालत हो जाना तो इसका स्ट्रक्चर है स पहले हम लोग सेंटेंस लिखेंगे फिर उसके बाद एस सिक एस डॉग का प्रयोग करेंगे पहला वाक्य है कोरोना वायरस हम लोग की हालत कुत्ते जैसी बना दिया है तो ऐसे वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे करोना वायरस हैज़ मेड अस एस सिक एस ए डॉग यानी कुत्ते जैसी हालत बना दिया है अगला वाक्य है मैं तुम्हारा हालत कुत्ते जैसी बना दूँगा यानी कोई किसी को धमका रहा है कि मैं तुम्हारा हालत कुत्ते जैसी बना दूँगा तो आई विल मेक यू एस सिक एस ए डॉग आई विल मेक यू एस सिक ए डॉग अगला वाक्य है आज मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है यानी कोई आकर किसी से कह रहा है कि आज मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई हैव बीन एज सिक एज ए डॉग टू डे आई हैव बीन एज सिक एज ए डॉग टू डे यानी उसकी हालत आज बहुत ख़राब है अगला वाक्य है कुत्ते जैसी आप अपना हालत क्यों बनाए हुए हो कोई किसी को कह रहा है कि कुत्ते जैसे आप अपना हालत क्यों बनाए हुए हो तो वाई हैव यू मेड योर सेल्फ एस सिक एज ए डॉग वाई हैव यू मेड योर सेल्फ एस सिक एज ए डॉग सो गाइड्स आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एस सिक एस ए डॉग का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गाइड्स आज के लिए बस इतना ही यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा हाँ अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर हम लोग इसी तरह से पढ़ते लिखते हुए चलेंगे